बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी मंदिर में श्रवणाष्टमी मेले के दौरान बेहतर सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मानित किए गए। जिला प्रशासन के द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। ये सम्मान समारोह मंदिर न्यास के मात्र आंचली यात्री निवास में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी विनय चंदेल ने बढ़िया सेवाओं के लिए अधिकारियों की हौसला अफजाई की और माता की फोटो और चुनरी देकर उन्हें सम्मानित भी किया। श्रवणाष्टमी मेले के दौरान बेहतर सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जिला बिलासपुर प्रशासन द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसे मंदिर न्यास के मात्र आंचल यात्री निवास में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी विनय चंदेल ने बढ़िया सेवाओं के लिए अधिकारियों की हौसला अफजाई की। मेला अधिकारी विनय धीमान ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में आए दिन श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और उनकी सुरक्षा करना प्रशासन का प्रमुख दायित्व है और मेले के दौरान प्रशासन के द्वारा तैनात किए गए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों में बखूबी इस कार्य को निभाया है और मेले को सफलतापूर्ण संपन्न किया है। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारी व स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर पुलिस और अन्य विभाग के कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि श्रवणाष्टमी मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं और उनके लिए हर तरह की व्यवस्था कर पाना मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इस बार कोई अप्रिय घटना या समाचार नहीं मिला और कानून व्यवस्था सुचारू रही, इस पर मेले के सफल आयोजन किया गया है। हालांकि कुछ छोटी छोटी कमियां जरूर रह गई हैं, जिनकी समीक्षा अवश्य की जाएगी और अगले वर्ष भी नवरात्रों को और बेहतर बंदोबस्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कुछ कमियां थी, उन्हें इस वर्ष दूर किया गया है और जो कमियां इस वर्ष हैं उन्हें अगले वर्ष तक ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को मंदिर परिसर तक लेकर जाने और वापस लाने के लिए सुगम वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई थी इस बार। उन्होंने बताया कि मंदिर के साथ लगती पंचायतों ने मेले के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मंदिर में विभिन्न स्थानों पर 450 स्वयंसेवक तैनात किए गए थे। उनके इस सहयोग के लिए मंदिर प्रशासन उनका धन्यवाद करता है। उन्होंने बताया कि श्री नैना देवी न्यास द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम हेतु 10 दिन के लिए वाटरप्रूफ टेंट का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु सुविधा के लिए जगह जगह पर 4 LEDs भी लगाई गई थी। साथ ही मंदिर न्यास द्वारा मेले के दौरान विभिन्न स्थानों पर 106 स्थायी कर्मचारी तथा 300 अस्थायी कर्मचारी तैनात किए गए थे। इसके अतिरिक्त नगर परिषद श्री नैना देवी जी द्वारा सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत 25 स्थायी कर्मचारी और 124 अस्थायी कर्मचारी तैनात किए थे। माता पूरा साल इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखेगी। इस बार बहुत शांतिपूर्ण ये मेले संपन्न हुए हैं और इस बार किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ लोगों को नहीं हुई, इसके लिए माता का आशीर्वाद ही मैं इसको मानूंगा। और सभी जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ तैनात रहे, उन्होंने रात दिन एक करके जो है वो सारी व्यवस्थाएं बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी लोग यहाँ पे माता की सेवा में तैनात थे, पुजारी वर्ग था, जितने भी होम गार्ड्स थे, जितने भी लोग यहाँ पे रहे सेवा में, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।